सो हे गेमर्स, फाइनली हमारे गेम के अंदर OB40 का न्यू पैच अपडेट आ चुका है। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने फ्री फायर मैक्स को अपडेट नहीं किया है तो बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाने के बाद अपने फ्री फायर मैक्स को इजीली अपडेट कर लेना है। मेरा अपडेट लगभग के 300 MB का था। आप लोग का टोटली कितने MB का अपडेट था वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। वैसे गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने गेम को अपडेट नहीं किया है तो आप लोग को ऐसा इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आप लोग अपने गेम को खेल सकते हो, लेकिन आप लोग को नए नए फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर पर जाना है एंड अपने गेम को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद जैसे ही ओपन करोगे आप लोगों के सामने नए नए फीचर्स आ जाएंगे और गाइस नया लोडिंग स्क्रीन भी देखने को मिलेगा जो कि अब 6th एनिवर्सरी का रहने वाला है। और गाइस, अब हम लोग देखने वाले हैं कि इस अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर कौन-कौन से चेंजेस किए गए हैं, कौन से सेटिंग्स हमारे गेम के अंदर आए हैं, कौन-कौन से नए-नए फीचर्स आए हैं, क्या-क्या हमें फ्री का रिवॉर्ड मिलेगा। चलो मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखा देता हूं। सबसे पहले हम लोग इमोट के अंदर देख लेते हैं। भाई, इमोट के अंदर तो कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जैसे कि अगर आप लोग यहां पर आते हो और उसके बाद जैसे आप लोग स्टार्ट पर क्लिक करोगे ना, तो यहां पर आप लोग इसको उठाकर इधर उधर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला बहुत ही बढ़िया सा सेटिंग से लगा मुझे। उसके बाद गाइस हम लोग चलते हैं प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर आने के बाद गाइस देखो, ये जो लाइक्स का यहां पर सीन है ना, मतलब लाइक्स को बड़ा कर दिया गया, ये मुझे बहुत ही घटिया लगा, मतलब बहुत बुरा लगा। ये लाइक्स वाला जो सीन था ना, वो छोटा ही अच्छा लग रहा था, ये बड़ा बड़ा कर दिया ना तो एकदम से भद्दा टाइप का लग रहा है, ठीक है। आप लोग कैसा लगा कमेंट के अंदर बता देना। उसके बाद अगर आप लोग वेपन के अंदर आओगे तो यहां पर आप लोग वेपन के अंदर देखने को मिल जाएगा कि कौन से वेपन से आप लोग कितना हेडशॉट मारते हो या फिर कितना हेडशॉट रेट है, उस वेपन का कितना हेडशॉट रेट है, वो सब कुछ आप लोग यहां पर देख सकते हो। और गाइस, ये बीआर मोड का है, सीएस मोड का भी यहां पर आप लोग देख पा रहोगे। वैसे गाइस, मैंने अभी तक अपडेट के बाद एक भी गेम नहीं खेला है, किसी भी गन को यूज नहीं किया, इसलिए सारा कुछ अभी 0-0 दिखा रहा है। जैसे मैं अभी गेम खेलूंगा ना तो यहां पर सारा कुछ शो करने लगेगा, ठीक है। तो यहां से आप लोग देख सकते हो। उसके बाद गाइस हम लोग आते हैं रिप्लाई के अंदर। तो रिप्लाई के अंदर यहां पर आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो वीडियोस को, रिप्लाई आप लोग देख सकते हो, तो यहां पर मैं ऑन कर लेता हूं। उसके बाद गाइस हम लोग आते हैं माय वीडियोस के अंदर। देखो यहां पर आप लोग ध्यान से देखना, अगर आप लोग यूट्यूबर हो तो गाइस आप लोग माय वीडियोस अपने लॉबी का वीडियो भी यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हो बिना किसी मतलब के अपने इंटरनल रिकॉर्डर के। आप लोग गेम का ही रिकॉर्डिंग ऑन करके यहां पर वीडियोस वगैरह बना सकते हो, तो यहां पर भी आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो। या फिर अगर आप लोग रिप्लाई देखना चाहते हो, जैसे कि होता है ना अपने गेम के अंदर का रिप्लाई देखना है, तो आप लोग यहां पर ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोगों को नीचे में ऑनर स्कोर देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मली पहले जैसा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। अब गाइस हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वाला, जैसे कि अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करना चाहते हो तो यहां पर देख पा रहे हो ऊपर से भी यहां पर आप लोग इन्वाइट कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग यहां पर नेम वगैरह देख के इन्वाइट करना है तो नेम वगैरह देखकर भी यहां पर इन्वाइट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग चलते हैं इवेंट वाले सेक्शन के अंदर। इवेंट वाले सेक्शन के अंदर गाइस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहां पर 500 गोल्ड जो कि यार आप लोगों को मिशन कंप्लीट करने के बाद मिल जाएगा। और जो कालाहारी मैप है उसको अगर आप लोग डाउनलोड करोगे तो यहां पर आप लोगों को 500 कॉइन मिल जाएगा, ठीक है। और गाइस इससे पता लगता है कि भाई अब आप लोगों को कॉइन का भी इवेंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यार कॉइन फ्री फायर वाले हमें कुछ मिशंस कंप्लीट करने के बाद दे रहे हैं, तो कॉइन का भी इवेंट आने वाला है जिसमें आप लोग गोल्ड से काफी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स ले सकते हो, ठीक है। बाकी और कुछ तो यहां पर देखने को नहीं मिलता है। स्पाइडर वर्स का एक इवेंट देखने को मिल रहा है, सॉरी इवेंट नहीं, बैनर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक दिनों के बाद हमारे गेम के अंदर स्पाइडरमैन का इवेंट भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब गाइस हम लोग और कुछ देख लेते हैं। भाई इवेंट के अंदर तो कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। अब हम लोग आते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर क्या है भाई, सेटिंग्स के अंदर तो लगभग के कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया, सारा कुछ एक ही जैसा है। लेकिन अगर हम लोग साउंड्स के अंदर आते हैं तो साउंड्स के अंदर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्टिव एंड डिवाइस बैकग्राउंड। अब गाइस देखो, ये वाला फीचर ना मुझे लिटरली काफी पसंद आया एंड होपफुली आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। जैसे कि देखो, अगर आप लोग अपने गेम को खेलते रहते हो, ठीक है, और गाइस व्हाट्सएप पे आपका कोई भी मैसेज आ जाता है और आप लोग गेम को छोड़कर मिनिमाइज करके अपने व्हाट्सएप पे जाकर कोई मैसेज पढ़ने लगते हो, तो गाइस यहां पर अगर आप लोग इसको ऑन कर दोगे ना तो आप लोग गेम का साउंड भी सुन सकते हो। जैसे कि आपका दोस्त कुछ बोल रहा है हेल्प में या फिर जो भी, आप लोग उसको सुन सकते हो, ठीक है। मतलब व्हाट्सएप के अंदर भी सुन सकते हो, आप लोग को वॉइस आएगा, ठीक है। तो ये वाला काफी बढ़िया सा है। उसके बाद गाइस यहां पर आप लोग क्विक मैसेज देखने को मिल जाएगा, तो ये भी एक नया ऐड किया गया है। इसके अंदर गाइस आप लोग को बहुत सारे अलग अलग मैसेज देखने को मिल जाएंगे जो कि आप लोग खुद से मिनिमाइज कर सकते हो। ऊपर में आप लोग को सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे ना, कौन से मैसेज को कहां पर रखना है वो आप लोग उठाकर रख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से रख सकते हो। यहां पर आप लोगों को क्लैश कोड का, बैटल रॉयल का या फिर अदर मोड्स का भी यहां पर आप लोग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग अपने हिसाब से यहां पर डिजाइन कर लेना अपने मैसेजेस को। और अगर आप लोग फीमेल हो, मतलब लड़की हो, तो आप लोग चाहो तो इसका आवाज चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मेल और फीमेल यहां पर हो जाता है, तो आप लोग मेल फीमेल यहां पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो यहां पर सेट भी कर सकते हो, ऐसे करके सेव कर देना, आपका सेव हो जाएगा। अब गाइस हम लोग चलते हैं ग्रुप के अंदर। और गाइस देखो, ग्रुप के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि अगर आप लोग अभी ग्रुप के अंदर आओगे ना, तो कोई कोई बंदा है ना जो ग्रुप में भी माइक ऑन नहीं करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा शर्माता है। तो भाई यहां पर ना, अगर आप लोग ग्रुप में माइक ऑन नहीं करते हो तो यहां से आप लोग मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसे कि वेट अ सेकेंड, डोंट स्टार्ट, या कुछ बंदे एकदम से तुरंत से स्टार्ट कर देते हैं, तो आप लोग ये वाला मैसेज सेंड कर सकते हो। या फिर आप लोग को और भी बहुत सारे यहां पर आप लोग को मैसेज देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग यहां से भी मैसेज सेंड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद गाइस आप लोग को गिल्ड वाला ऑप्शन ऊपर में देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप लोग अपने गिल्ड का मेंबर वगैरह या फिर जो भी देखना चाहते हो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ऊपर में आप लोग गिल्ड का सेक्शन देखने को मिलता है। और गाइस साइड में आप लोग को एफ देखने को मिलेगा। इसके अंदर
गाइस आप लोग अपना रैंक देख सकते हो, लीडर बोर्ड देखने को मिल जाएगा, फेयर गेम देखने को मिल जाएगा, ई स्पोर्ट देखने को मिल जाएगा और अचीवमेंट्स भी देखने को मिलेगा। वैसे यार अचीवमेंट्स अभी यहाँ पर ओपन नहीं होगा क्योंकि यार इसका जो इवेंट है वो 3 जून को आने वाला है, मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो 3 जून को ये जो अचीवमेंट का इवेंट है वो हमारे गेम के अंदर फाइनली आ जाएगा। बाकी अब हम देखते हैं और कोई नया चेंजेस, जैसे कि वेपन के अंदर चलते हैं। वेपन के अंदर तो कुछ भी ऐड नहीं किया गया, सारा कुछ सेम ऐसे ही लग रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ऐड किया गया, वैसे तो मैंने अभी नोटिस किया, शायद पहले भी हमारे गेम के अंदर आ चुका हो, लेकिन गाइस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है मास्टरी फायरिंग बटन। अब गाइस इसका क्या काम है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि यार मैंने इसको ऑलरेडी क्लेम कर रखा है। तो जैसे कि अगर आप लोग इसको क्लेम कर लोगे ना, जैसे आपका 100% हो जाता है, तो जैसे आप लोग इसको क्लेम करोगे ना, आप लोगों को एक स्पेशल इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आप लोग इस गन को यूज करते हो तो आप लोग को फायर बटन पर एक स्पेशल सा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ खास तो है नहीं, बाकी यही कुछ था जो कि यार मैंने आप लोग को दिखा दिया। अब गाइस हम लोग चलते हैं कहां, चले भाई, हाँ चलो गाइस यहां पर हम लोग आते हैं। यहां पर भी आप लोग क्विक मैसेज देखने को मिल जाएगा और उसी के साथ साथ गाइस अगर आप लोग चाहो तो अपने दोस्त का स्किल वगैरह भी देख सकते हो, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने स्क्वाड कर लिया और स्क्वाड करने में थोड़ा सा लेट आ रहा है यार, इतना लेट क्यों आ रहा है, अभी सर्वर बनाया इसी वजह से ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो गाइस यहाँ पर हम लोग अपने दोस्तों को बुला लेते हैं। दोस्त को बुलाने के बाद गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उनके स्किल क्या है, ठीक है। तो मैंने दोस्त को बुला दिया, अपना गेम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है, मतलब बहुत स्लो काम कर रहा है। चलो गाइस मैंने अपने दोस्तों को बुला लिया। अब गाइस अगर आप लोग ऊपर में टीम पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आप लोग उनके स्किल्स देखने को मिल जाएंगे और गाइस लोड आउट वगैरह भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और गाइस अगर आप लोग माइक ऑन नहीं करते हो, जैसे कि मैंने माइक और ये दोनों ऑफ कर रखा है, तो गाइस यहाँ पर ना हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर माइक ऑन प्लेस कर सकते हैं या फिर कोई भी मैसेज अगर मुझे सेंड करना है तो मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। कूल आउटफिट ऐसा कुछ करके आप लोग जो भी मैसेज करना चाहते हो आप लोग मैसेज कर सकते हो, आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहने वाला है, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं लक रोल के अंदर और गाइस लक रोल के अंदर हमें काफी सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि यार हमारे गेम के अंदर फाइनली ये सारा कुछ अपडेट कर दिया गया। और यहां पर आप लोग को G36 का एक गन स्किन देखने को मिलता है, जो कि यार मैंने आप लोग कल के वीडियो के अंदर ही दिखाया था, ठीक है। तो मेरे पास अभी काफी सारे वाउचर्स है, चलो गाइस यहां पर मैंने स्पिन किया और भाई मुझे फाइनली परमानेंट तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों के लिए मिला। चलो गाइस मैंने यहां पर दोबारा से स्पिन किया, भाई कुछ भी नहीं मिल रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में निकालूंगा। और गाइस साथ ही साथ यहां पर आप लोगों को नया गोल्ड रोल भी देखने को मिल चुका है, जो कि यार मैंने आप लोग कल के वीडियो के अंदर ही दिखा दिया था। तो ये वाला गोल्ड रोल भी आप लोग निकाल लेना, बंडल तो ओवरऑल काफी बढ़िया सा लग रहा है। मेरे पास तो अभी 175 वाउचर है, तो मैं इसको इजिली निकालूंगा। चलो यार कांग्रेचुलेशन भाई, ये वाला घटिया सा बंडल आ गया, चलो कोई बात नहीं, यहां पर हम लोग फिर से वापस स्पिन करते हैं और भाई निकल ही जाएगा, 100% में निकल जाएगा, कोई बात नहीं, मैं इसको निकालूंगा। मेरे पास अभी काफी सारे वाउचर्स पड़े हुए हैं। बाकी यार ये जो गोल्ड रॉयल है, सॉरी डायमंड रॉयल है, ये भाई आप लोग को 17 घंटे के बाद देखने को मिलने वाला है। अब गाइस हम लोग चलते हैं स्टोर के अंदर, ठीक है। स्टोर के अंदर क्या क्या चीजें ऐड की गई वो यहां पर हम लोगों को देखना होगा। स्टोर के अंदर आते हैं भाई, यहां पर फाइनली मैजिक क्यूब के नए नए बंडल्स ऐड हो चुके हैं। अभी आप लोग देख पा रहे हो भाई बहुत ही मतलब मस्त मस्त बंडल है। तो आप लोग यहां पर से कौन सा बंडल एक्सचेंज करने वाले वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता देना। मेरे पास तो अभी 7 मैजिक क्यूब है, तो चलो गाइस यहां से हम लोग एक बंडल एक्सचेंज कर लेते हैं। ये वाला बंडल भी ओवरऑल ठीक ठाक सा लग रहा है, तो चलो गाइस एक बंडल को एक्सचेंज करते हैं। आ चुका है फाइनली, कांग्रेचुलेशन। नहीं आया यार, बहुत स्लो काम कर रहा है, मुझे लग रहा है फिर से मुझे अपने गेम को अपडेट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि यार मैंने अभी जस्ट अपडेट करके ओपन ही किया है, ठीक है। तो मुझे ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब हमारा जो गेम है वो इजीली अच्छे से चल पाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है फ्री फायर थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। चलो गाइस ओके करते हैं, भाई फाइनली मुझे बंडल मिल चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप लोग खुद से इक्विप करके देख लेना, भाई मैं इसको तो अभी इक्विप नहीं करने वाला हूं। बाकी यार फाइनली मैंने बंडल निकाल लिया, चलो मैं बाद में और कुछ निकालूंगा। अब गाइस हम लोग चलते हैं एफएफ टोकन के अंदर। एफएफ टोकन के अंदर तो कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, लेकिन हां गिल्ड टोकन के अंदर आप लोग को ये वाला लिमिटेड देखने को मिल जाएगा, जो कि यार फाइनली सोल्ड आउट से हट चुका है। तो अगर आप लोग यहां से नेम चेंज कार्ड लेना है तो फटाफट से नेम चेंज कार्ड लेकर अपना नेम चेंज कर सकते हो, अगर आप लोग को नेम चेंज करना है तो, ठीक है। तो यहां पर गाइस ये हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं रैंक टोकन के अंदर कि भाई रैंक टोकन के अंदर कोई अपडेट किया गया है या फिर नहीं। तो गाइस अभी रैंक टोकन के अंदर कोई भी अपडेट नहीं किया गया, शायद से ये सब पुराना बंडल ही है, मुझे पूरी अच्छी तरीके से तो याद नहीं, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है ये सब पुराना बंडल ही है। बाकी अगर कोई अच्छा सा रिवॉर्ड ऐड होना रहेगा तो आप लोग कल देखने को मिलेगा, क्योंकि यार फाइनली कल सीएस रैंक का न्यू सीजन आने वाला है, सीजन क्या बोलते हैं, सीजन 19 आने वाला है, जिसमें आप लोग को एक अच्छा सा बंडल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और गाइस कल दोपहर के 2:30 बजे आप लोगों को सीएस रैंक का न्यू सीजन देखने को मिल जाएगा, सीजन 19। उसके बाद आप लोग क्लैश कोड के अंदर भी रैंक पुश कर सकते हो, ठीक है। तो यही सारे चेंजेस थे जो कि यार मैंने आप लोग को बता दिया। और गाइस न्यू मोड अभी तक हमारे गेम के अंदर ऐड नहीं किया गया, जैसे कि आप लोगों को बताऊंगा डुओ एक्टिव स्किल वाला मोड हमारे गेम के अंदर आने वाला था, जिसमें हम लोग दो स्किल एक बार में यूज कर सकते हैं। तो वो वाला मोड आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगा, फिलहाल ऐड नहीं हुआ है, तो आप लोग अभी वेट कर लो, ठीक है। बाकी और को तो कुछ चेंजेस नहीं किया गया। बाकी अगर इवेंट वाले सेक्शन के अंदर आते हैं तो ऐसे आप लोग को इवेंट का मतलब पेड इवेंट का ऐसे करके इवेंट का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ तो नॉर्मल सा है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं किया गया। जो भी था मैंने आप लोग को सारा कुछ बता दिया, अगर आप लोग कुछ और एक्स्ट्रा पता चलता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। तो बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था, होपफुली आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे सर और न्यू वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।